हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। शिक्षकों को पहले बुलाया और फिर स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया। इसी सत्र से होगी आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाई। वेतन विसंगति व पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग। आरटीई के अंतर्गत बीएसए के फर्जी हस्ताक्षर से हुआ दाखिला। सहायक अध्यापक ने वन चौकी के दो कमरों में किया कब्जा। खंड शिक्षा अधिकारी का शिक्षकों पर बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप। बाबूगिरी नहीं, पढ़ाने के लिए हैं शिक्षक। इंटर कॉलेज के शिक्षक का घिनौना कारनामा। सहायक अध्यापक की मौत में नया मोड़। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हब यूट्यूब चैनल पर। आजमगढ़, भारी बारिश और जलभराव के कारण बीएसए ने सोमवार व मंगलवार को समस्त परिषदी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। DIOS ने समस्त बोर्डों के विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों व स्कूलों व रास्तों में जल जमाव की समस्याएं हो तो उसे बंद कर दिया जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल सिंह ने बताया कि भारी बारिश व जलभराव को देखते हुए 4 अक्टूबर व 5 अक्टूबर को विद्यालय बंद किए गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर बीके शर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर माध्यमिक से संचालित समस्त विद्यालयों को निर्देश जारी किया गया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में संचालित कॉलेज सोमवार व मंगलवार को बंद कर दें। इसी सत्र से होगी आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाई। प्री प्राइमरी करने वाले बच्चों को मिलेगा कक्षा एक में दाखिला। वाराणसी, आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी की पढ़ाई इसी सत्र में होगी। दूसरी ओर, जो बच्चों ने प्री प्राइमरी नहीं पढ़े हैं उनके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने 3 माह का प्री प्राइमरी कोर्स शुरू करने जा रही है। यह कोर्स को करने वाले बच्चों को सीधे कक्षा एक में दाखिला मिल जाएगा। 3 माह के कोर्स को पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का काम भी शुरू हो गया है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के तहत सारनाथ स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट पर हर ब्लॉक के एक एक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पहले दिन सोमवार को अराजी लाइन चोलापुर के काशी विद्यापीठ के 40 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। हालांकि इन शिक्षकों को 2 दिन प्रशिक्षण दिया जाएगा। डायट प्राचार्य उमेश कुमार शुक्ल ने बताया कि जो बच्चे प्री प्राइमरी नहीं पढ़े हैं उन्हें प्रशिक्षित शिक्षक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE के तहत 3 माह तक आकर्षक तरीके से प्री प्राइमरी का कोर्स कराने का निर्णय लिया गया है ताकि उन्हें कक्षा एक में प्रवेश मिल सके। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले प्राथमिक शिक्षकों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया और 7 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। ज्ञापन में पुरानी पेंशन बहाल करने और वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रमण राणा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ शासन व विभाग को शिक्षकों की लंबी समस्याओं को लेकर कई बार अवगत करा चुका है, लेकिन शिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते सोमवार को मजबूर होकर शिक्षकों को धरना देना पड़ा। जिला अध्यक्ष रविंद्र राणा ने पुरानी पेंशन बहाल करने पर जोर दिया। इसके साथ ही 1 दिसंबर 2008 के बाद पदोन्नत हुए प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय व सहायक अध्यापकों पूर्व माध्यमिक विद्यालय को 17,140 रुपये का न्यूनतम वेतन व प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय को 18,150 रुपये का न्यूनतम वेतन देने की मांग की। संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अनुज त्यागी ने प्रदेश के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की मांग की। इसके अलावा मृतक आश्रित के पालियों को योग्यतानुसार नियुक्ति प्रदान करें और मृतक आश्रित नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को योग्यतानुसार उचित पर समायोजित करने की मांग की। प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शिक्षकों का चयन वेतनमान के बाद वेतन विसंगति है, जिसमें वरिष्ठ शिक्षक कनिष्ठ शिक्षकों से कम वेतन पा रहे हैं। इनका वेतन विसंगति शासनादेश जारी किया जाए। धरने में मुख्य रूप से आदेश मित्तल, मनोज कुमार, दिनेश कुमार, अमित कुमार, अमित यादव, अनूप माराणी, प्रवीण कुमार, अर्चना नूतन चौहान, रवीन शर्मा व प्रमोद सिरोही आदि शामिल रहे। वाराणसी, शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला समन्वयक के फर्जी हस्ताक्षर से दाखिले का एक और मामला सामने आया है। बकायदा सिफारिश पत्र पर भी मुहर भी लगी थी। जांच में खुलासा होने पर बच्चे का दाखिला निरस्त कर दिया गया है। ताज़ा मामला ज्ञानदीप एकेडमी चितईपुर का है। धर्मेंद्र कुमार के पुत्र अयान राज का स्कूल में दाखिला हुआ। अब जब स्कूल ने शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए बच्चे का प्रमाण पत्र बीएसए कार्यालय भेजा तो मामला पकड़ में आया। जिले में अब तक फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर RTE में 20 से ज़्यादा दाखिले के मामले सामने आ चुके हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के सामने अगस्त में पहला मामला सामने आया था। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से 8 अगस्त के संस्करण में प्रकाशित किया था। सत्र 2019-20 में साइमन पटेल व सत्र 2020-21 में वंशिका सिंह, हितेश आर्यन श्रीवास्तव का नाम RTE की सूची में न होने के बाद भी दाखिला ज्ञानदीप विद्यालय में हो गया था। विभाग ने मामले की जाँच की तो और मामला सामने आने लगे। 2 स्कूलों में सबसे ज्यादा प्रवेश फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर RTE के तहत 5 निजी विद्यालयों में दाखिला लिया गया है। 2 स्कूलों में फर्जीवाड़े का सबसे ज्यादा मामला सामने आया, जिसमें ज्ञानदीप
ज्ञान प्रदीप स्कूल लालपुर, ज्ञानदीप स्कूल जतईपुर व SOS हरमन माइनर स्कूल उमराहा प्रमुख हैं। सहायक अध्यापक ने वन चौकी के दो कमरों में किया कब्जा, वसूला जाएगा जुर्माना। नौगढ़ विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय औरवा टाड़ के एक सहायक अध्यापक के वन चौकी के दो कमरों पर कब्जा कर रहने का मामला सामने आया है। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष और वर्तमान जिला प्रतिनिधि देवेंद्र साहनी ने इसकी शिकायत CM पोर्टल और जिलाधिकारी से की है। आरोप है कि शिक्षक पिछले एक साल से वन चौकी पर रह रहा है, लेकिन अधिकारियों को इस बारे में जानकारी ही नहीं है। मालूम हो कि औरवा ताड़ प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय के कमरे में ही चारपाई बिछाकर सोने और विद्यालय में अवैध कमरे का निर्माण करने की खबर अमर उजाला ने प्रकाशित की थी, जिसके बाद ABSA ने प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रधानाध्यापक ने खुद अवैध निर्माण ढहाया और विद्यालय से चले गए। सोमवार को पड़ताल के लिए पहुंची अमर उजाला की टीम को भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष और जिला प्रतिनिधि देवेंद्र साहनी ने बताया कि इसी विद्यालय का एक सहायक अध्यापक पिछले एक सालों से वन चौकी के दो कमरों में कब्जा कर रह रहे हैं। देवेंद्र ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत CM पोर्टल और जिलाधिकारी से भी ऑनलाइन किया है। सबसे बड़ी बात की स्थानीय वन अधिकारियों की भी इसमें मिली भगत है। शिक्षक एक साल से वन चौकी में रह रहे हैं, पर इसकी सूचना वन विभाग के बड़े अधिकारियों को आज तक नहीं दी गई है। इन दिनों वन विभाग व वन भूमि पर झोपड़ी लगाने वालों पर तो मुकदमा दर्ज कर रहा है, पर इस शिक्षक ने तो वन चौकी पर ही कब्जा कर लिया है। बताया कि सहायक अध्यापक ने पहले वहां रह रहे वाचरों से मिलजुल किया, फिर एक रात ताला तोड़कर चारपाई रख दी। विरोध नहीं हुआ तो उसने अपना आसियाना बना लिया। इस संदर्भ में स्थानीय रंजन ने ऐसी किसी मामले के प्रति अनभिज्ञता जताई। DFO दिनेश सिंह ने बताया कि वन चौकी विभागीय कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। अगर उसमें यह पाया गया कि शिक्षक काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं तो कमरा खाली कराने के साथ ही उनसे जुर्माना वसूला जाएगा, साथ ही इसकी जांच कराई जाएगी। औरैया जिले में विधुना विकासखंड क्षेत्र में तैनात BEO ने विधुना कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर 8 शिक्षकों के खिलाफ कार्यालय में बंधक बनाकर मारपीट करने व चेन लूट ले जाने का आरोप लगाया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जाँच में केवल धक्का मुक्की व खींचतान किए जाने की बात सामने आ रही है। खंड शिक्षा अधिकारी अवनीश यादव ने विधुना कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 4 अक्टूबर को वह अपने कार्यालय में विभागीय काम कर रहे थे, तभी विकासखंड में कार्यरत एक शिक्षक ने उन्हें दोपहर लगभग 2:30 बजे फ़ोन किया और कार्यालय में होने की जानकारी ली। आरोप है कि शाम लगभग 4:30 बजे कार्यालय पहुंचे 8 शिक्षकों ने कक्ष में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। शिक्षकों ने अभिलेखों से छेड़छाड़ की व उनके साथ गाली गलौज कर मारपीट की। BEO ने दी तहरीर में बताया कि हमलावर लोग गले में पड़ी 20 ग्राम सोने की चेन भी तोड़कर ले गए। महोबा प्रसिद्ध विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म, बैग, स्वेटर और जूते मोजे की धनराशि सीधे बैंक खातों में भेजने संबंधी डाटा फीडिंग से शिक्षकों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। बिना संसाधन दिए डाटा फीडिंग कराए जाने का विरोध करते हुए शिक्षकों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया। कहा कि शिक्षक बाबूगिरी के लिए नहीं बल्कि पढ़ाने के लिए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व माध्यमिक जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के बैनर तले आयोजित इस धरना प्रदर्शन में बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरभान को महानिदेशक स्कूल शिक्षा को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। संघ के जिला अध्यक्ष नवीन कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में पढ़ने वाले प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्राओं को विभाग द्वारा निःशुल्क ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर और बैग वितरित किए जाते हैं। अब इन सभी की धनराशि अब छात्राओं के अभिभावकों के बैंक खाते में भेजने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है। विभाग का यह कार्य ठीक है, लेकिन इसके लिए जरूरी डाटा फीडिंग कराने, अभिभावकों के बैंक खातों से आधार लिंक कराने, बंद या निष्क्रिय बैंक खातों को चालू कराने आदि की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों द्वारा शिक्षकों पर थोप दी गई है। वहीं डाटा फीडिंग आदि के लिए कोई स्मार्ट डिवाइस उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही उपयुक्त प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे शिक्षक परेशान हैं। जिला महामंत्री राजीव कुमार तिवारी ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश में क्रमबद्ध तरीके से यह आंदोलन चलाया जा रहा है। महोबा शहर के एक विद्यालय में कक्षा 9वीं की छात्रा की तीसरी मंजिल में लाइब्रेरी में अचेत अवस्था में मिली। होश आने पर छात्रा ने आरोप लगाया कि विद्यालय का एक शिक्षक उसका मुंह दबाकर तीसरी मंजिल पर ले गया और गला दबाया, जिससे वह अचेत हो गई। छात्रा की मां ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ छिड़खानी व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव निवासी किशोरी सोमवार को कॉलेज आई थी। तीसरी मंजिल में स्थित लाइब्रेरी में छात्रा के अचेत होने की सूचना विद्यालय प्रबंधन द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से परिजनों को दी गई। सूचना पर पिता विद्यालय पहुंचा और शिक्षकों के सहयोग से छात्रा को जिला अस्पताल पहुंचाया। एक घंटे बाद छात्रा को होश आने पर उसने पूरी घटना बताई। छात्रा ने आरोप लगाया कि कॉलेज का शिक्षक सौरभ उसे बुरी नीयत से पकड़कर तीसरी मंजिल पर ले गया। मुंह दबाए रखने के चलते वह चिल्ला नहीं सकी, बाद में गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की, जिससे वह अचेत हो गई। छात्रा की मां ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रभारी कोतवाल आनंद कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर आरोपी शिक्षक सौरभ के खिलाफ छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, घटना की जांच कराई जा। प्रयागराज करेली थाना क्षेत्र के बेनीगंज में रहने वाली एक सहायक अध्यापिका की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। स्वजनों ने करेली पुलिस को एक सुसाइड नोट दिखाते हुए दो युवतियों समेत 4 लोगों पर फर्जी तरीके से कोर्ट मैरिज का कागजात बनवाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है।
साथ ही इसी कारण सहायक अध्यापिका द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की बात कही है। पुलिस ने सुसाइड नोट को आधार मानते हुए चार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। बेनीगंज की अंजलि सिंह प्राथमिक विद्यालय लोहरा मुहूर्तगंज कौसाम्बी में सहायक अध्यापक थी। 9 सितंबर की देर रात अंजलि ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। 2 दिन पहले मृतका के पिता देशचंद सिंह करेली थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर देते हुए अंजलि द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट को दिखाया। बताया कि पुत्री के कमरे से ये सुसाइड नोट मिला है। इसमें उसने लिखा है कि मोहल्ले के ही संदीप कुमार, उसकी बहन सुनीता व नीतू ने अपने फुफेरे भाई जीवनलाल निवासी पोंगहट विष्णुपुरी कॉलोनी थाना धूमनगंज के साथ मिलकर उसकी पुत्री को परेशान किया था। जीवनलाल कौसाम्बी में ही एक इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं। आरोप लगाया कि इन सभी ने मिलकर कोर्ट मैरिज का फर्जी कागजात तैयार करवाया। इसी से ब्लैकमेल करते हुए संदीप ने अंजल पर शादी का दबाव बनाया। इससे परेशान होकर उसने जान दी। करेली थाना प्रभारी अनुराग शर्मा का कहना है कि चार के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।